छिंदवाड़ा के कोयंचल क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर कोयंचल एरिया के उर्धन कोल माइंस में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और चोरों ने वहां मौजूद एक मजदूर को भी घायल कर दिया, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। परासिया में कोयंचल एरिया के उर्धन कोल माइंस में चोरी की एक घटना सामने आई है। चोरी की घटना के दौरान चोरों ने एक कामगार मजदूर को भी चोट पहुंचाई, लेकिन प्रबंधन उसकी जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। प्रबंधक के इस रवैये से उनके कर्तव्य एवं काम के प्रति निष्ठा में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। वहीं क्षेत्र की जनता घटना को लेकर प्रबंधक को शक की निगाह से देख रही है। गौरतलब है कि कोयला के अलावा स्ट्रीट लाइट एवं अन्य उपयोगी सामानों की चोरी भी लगातार हो रही है। दो बार लाखों का टेंडर कर प्रोफाइल सीट कोल माइंस के चारों ओर लगाई गई थी और दोनों बार सीट के साथ एंगल भी चोरी हो गए, लेकिन प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं कोल माइंस एरिया में CISF की तैनाती की गई है, फिर भी चोरी पर लगाम नहीं लग पा रही, जिससे CISF की कार्य प्रणाली पर भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। भारतीय मजदूर संघ की ओर से कई बार प्रबंधन को अवगत कराया गया कि यहाँ पर प्रोफाइल सीट चोरी हो रही है, और एक बार नहीं दो बार उसकी रिपेयरिंग या दो बार उसको लगाया जा चुका है, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई FIR या किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाया नहीं गया। उसी का यह नतीजा है कि आज ये जो चोरियाँ हो रही है वो उन्हीं की तरह से हो रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।